बारिश जो थी ना दोस्तों इतनी ज्यादा थी, ये देखो भाई साहब इतनी ज्यादा बारिश हुई। धन्यवाद धन्यवाद, आपको भी बताई हो। यहाँ पे देखो एम्बुलेंस ना पूरी देखो भाई रोड से बाहर जा रही है भाई। ये है भाई दोस्तों छोटी सी परी, गोल गोल। सभी लोग ना दोस्तों देखो चल ही रहे हैं, मतलब कोई किसी के लिए नहीं रुका है, दुनिया ऐसी निरंतर चलती रहती है, सब भाग रहे हैं भाई। मिलन सुषमा सतपुली का मेला मेरी बांध सुषमा। और अभी जो बारिश क्या है भाई दोस्तों इतनी तेज लग गई ना, क्या ही बताऊं। तो चले जी आज की जो वीडियो की शुरुआत है भाई दोस्तों काफी जल्दीबाजी में हो रही है। अभी भाभी जी जा रही है देखो यहाँ से ना घास वगैरह के लिए, तो हमारी वीडियो की शुरुआत ही बहुत जल्दीबाजी में हो रही है। अभी सुबह के ठीक 8 बज रहे हैं और जो धूप है ना बहुत तेज लग गई है। फिलहाल अभी जस्ट हम दोस्तों कैंपिंग से आए, हमने थोड़ा सा लेट कर दिया है, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से काफी लंबे टूर पे। तो कहाँ निकल रहा हूँ आपको अभी आगे ब्लॉग में बताऊंगा, बट लंबे ही जा रहे हैं, मतलब लंबे ही सफर पे जा रहे हैं, तो फटाफट से ना निकलते हैं। माता जी का जो नाश्ता है दोस्तों वो भी हो गया है, जस्ट नाश्ता करके आ रही है माँ। तो चलो माता जी है बाय बाय, कोई आज्ञा है? कोई टिप्स या कुछ आज्ञा? कुछ भी ना फिलहाल का कुछ नहीं, जो आ गया चाहो ब्याह के दिया ली आज मीटिंग में कर, अब कुछ आ गया नहीं फिलहाल का, हां मैं ना आज फिर अच्छा इन्हीं आ गया तो मंगनी। चलो बाय बाय फिर, बाय 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 भाभी जी, मिलते हैं आपको भी। लेट हो रही है तो दोस्तों जल्दी जल्दी निकलना पड़ रहा है। बाकी हम ना दोस्तों पूरे के पूरे 1 घंटे लेट हो गए हैं, और ये जो लेट हुई है दोस्तों वो हुई है कैंपिंग के चक्कर में, तो कैंपिंग से आए तो उसी के चक्कर में। बाकी चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ये गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गाँव एरोली से जो की पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। चलो तब शीतल बाय बाय। निकलते हैं सफर पे भी, जो आज का हमारे सफर क्या रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है दोस्तों 140 किलोमीटर के लगभग, और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको रास्ते में बताता हूँ, क्योंकि अभी से सस्पेंस नहीं खोलते, रास्ते में आपको बताता हूँ। ढेर सारे काम है तो वो काम भी बताऊंगा कि क्या क्या काम है, वो आगे चल के बताते हैं। वीडियो में बने रहना, वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजे आने वाला है, बढ़िया सफर देखने को मिलेगा, काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और मेरे इस सफर के साथी जो है वही दोस्तों राकेश भाई है। रास्ते में दोस्तों काफी आगे आ गए हैं, ठीक पोखड़ा पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पे ना एक खूबसूरत सा वाटरफॉल है, तो वाटरफॉल के सामने रुके हुए हैं। ये देखो सामने क्या मस्त लग रहा है ना। तो आजकल बारिश का टाइम है तो इसमें ना खूब सारा पानी आ रखा है, वैसे कम ही रहता है बट आजकल तो ठीक ठाक है। अभी जो बाइक पे हवा पड़ रही है ना दोस्तों इतनी खतरनाक पड़ रही है कि इस साइड ना खूब तगड़ा जंगल है, मतलब ये साइड ना पूरा जंगल है, तो जो हवाएं पड़ रही है वो ठंडी ठंडी पड़ रही है, तो ठंड अलग लग रही है, हालत देखो अजीब सी हो गई है। चलिए अब लेट भी हो ही रहा है तो फटाफट निकलते हैं, सफर में आपको काफी मजे आएंगे। सफर में आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों अभी हम ना ठीक बिजरो पानी में पहुंच गए हैं। इस वाली जगह को बोला जाता है बिजरो पानी, यहाँ से ना दोस्तों एक रोड कट जाती है जो कि सीधा जाती है यहाँ से तिमली खाल की तरफ, और इस वाले रूट पे भी मतलब आप जा सकते हो। फिलहाल यहाँ पे ना एक पीपल का पेड़ है देखो मस्त ना, बाकी यहाँ पे बैठे हुए हैं और काफी यात्रीगण भी बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ना दो दो रोड कटती है, खूब सारी गाड़ियों का चलना वगैरह होता ही रहता है। यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे छाया में बैठ के मस्त से ना ठंडा वगैरह पी रहे हैं। बाकी नीचे से एक नदी भी है दोस्तों जो कि मतलब बड़ी तो नहीं है, मतलब गदेरा टाइप का ही है, और आजकल पानी खूब सारा बढ़ा हुआ है तो आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। बिजरा पानी से ना दोस्तों थोड़ा सा ही नीचे आया, बट यहाँ पे देखो एम्बुलेंस ना पूरी देखो भाई रोड से बाहर जा रही है भाई, भाई साहब ये देखो, ओ भाई साहब भाई जैसे तैसे करके बची भाई ये भाई। नीचे से ना दोस्तों एक पत्थर है, अगर वो पत्थर ना होता ना, ये वाला जो पत्थर है आप देख पा रहे होंगे ठीक यहाँ पे, अगर ये पत्थर नहीं होता ना तो ये गाड़ी सीधा नीचे जाती।
संगला कोटी में भी दोस्तों हम नहीं रुके, संगला कोटी से भी हम सीधा आ गए हैं। अभी हम पहुंच गए हैं ठीक रीठा खाल में। तो जो रीठा खाल क्या है दोस्तों, वो ठीक इस वाली जगह पे है। तो यहाँ पे है दोस्तों रीठा खाल। बाकी यहाँ से ना दोस्तों एक गांव देखने को मिलता है जो कि है हलुड़ी। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यहाँ ना दोस्तों पूरे के पूरे सिख परिवार रहते हैं। तो यहाँ जो सिख रहते हैं ना दोस्तों, वो नेगी सिख है जो कि मुझे पता नहीं था। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था ना, उस वीडियो पे भी आपका बहुत अच्छा प्यार रहा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, खूब सारे आपके कमेंट भी थे। तो चलिए आपको बताई देते कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों कोटद्वार, और यहाँ से जो अभी कोटद्वार की दूरी रहेगी है दोस्तों वो रहेगी है 80 किलोमीटर लगभग। तो 80 किलोमीटर का अभी हमारा सफर रहने वाला है। और जो हमारा कोटद्वार जाने का रीजन क्या है दोस्तों, वो है कि चाचा को मिलाना है चाचा की भतीजी से। तो भतीजी से मिलने जा रहे हैं, साथ ही में दोस्तों अपना जो मजनू क्या है, मजनू की आ गई है दोस्तों सर्विस। तो मजनू की सर्विस वगैरह भी करानी है, और थोड़ा सा ना जो क्लच वलच वगैरह है, ये तो ब्रेक है, ये क्लच वगैरह है, ये भी टेढ़ा वगैरह हो रखा है, तो इसका काम भी करवाना है। तो सारे काम है, मतलब खूब सारे काम है, वो भी करवाने हैं। और चाचा को मिलाना है भतीजी से। तो भतीजी से मिलने की खुशी कैसी है राकेश साहब? बहुत अच्छी है, तो मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है सफर? अच्छा लग रहा है ना, बट एक दिक्कत हो गई दोस्तों, सामान बहुत ज्यादा हो गया। हाँ चलो, क्या करते हैं कि फटाफट से निकलते हैं, तो लेट भी हो ही रहा है। सफर में आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों अभी प्यारी सी लोकेशन पे पहुंच गए हैं, ठीक है दोस्तों सतपोली में। तो ये है भाई दोस्तों, यहाँ से ना पूरा सतपोली आपको देखने को मिलेगा। तो ये है दोस्तों पूरा सतपोली मार्केट। सतपोली मार्केट को देख के दोस्तों एक गाना भी याद आ रहा है जो कि राकेश भाई सुनाएंगे। राकेश भाई, मेरे को नहीं आ रहा यार, सुना दो यार। ना राकेश भाई नहीं सुना रहे यार, बेइज्जती भी करता है दोस्तों। तो चलिए मैं ही सुना लेता हूँ। अरे खाई जाल अकेला, अरे खाई जाल अकेला, अरे मैं मिलन ए सुषमा, मैं मिलन ए सुषमा, सतपोली का मेला मेरी बांध सुषमा। चलो कभी सतपोली का मेला लगेगा तो सतपोली के मेले में जरूर आएंगे। क्यों राकेश भाई, पता नहीं कब लगता है, कमेंट बताना अगर लगता है सतपोली का मेला तो बताना है। बाकी चलो निकलते हैं, क्योंकि धूप जो है ना वो लगी है बहुत तेज। टाइम हो गया है ठीक 12:30 का, तो फटाफट निकलते हैं। हम जस्ट दोस्तों ठीक सतपोली से आगे गुमखाल पहुंचने वाले हैं, और यहाँ देखो गोल गोल भाई साहब, आज दिख ही गया भाई इतने टाइम बाद भाई। चलो भाई, तो ना हमारे यहाँ कहा जाता है दोस्तों गोल, और आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बाकी ना काफी टाइम बाद दिखा, और जितना ये क्या है, ये जो है ये तो छोटा ही था, बट इससे भी काफी बड़े बड़े होते हैं। मजा आ गया यार आज बहुत टाइम बाद देखा। और अभी हम ना गुमखाल से बस 2 किलोमीटर आगे हैं, गुमखाल भी पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे एक गाँव है दोस्तों जो कि ये रहा, इस गाँव का नाम तो मेरे को पता नहीं है, बट यहाँ से ऊपर के लिए भी एक गाँव है, शायद एक ही गाँव होगा बट पता नहीं। तो चलो फटाफट से निकलते हैं। सफर में आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों हम आ गए हैं दुगड्डा और ठीक लैंस डाउन के बीच में। और यहाँ से जो रूट है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये ऊपर वाला जो रूट है इसी पे हम आ रहे हैं। ये सतपोली होते हुए बेदीखाल से आता है, और यहाँ से नीचे के लिए ये चला जाएगा दोस्तों कोटद्वार की तरफ। और एक रूट दोस्तों ये है, ये जाता है दोस्तों यहाँ से लैंस डाउन वगैरह, ढेरी खाल वगैरह, और ताड़केश्वर रिखणी खाल की तरफ। और यहाँ पे रुकने का रीजन दोस्तों कुछ ऐसा है कि हमारे 2 मित्रगण अभी आ रहे हैं, तो उनका ही इंतजार किया जा रहा है। Oh, oh, oh.
अभी यहाँ पे ना अपने दोस्तों का वेट करते करते एक घंटे से ज्यादा हो गया है। जब भी कॉल कर रहे हैं बोल रहे हैं बस 20 मिनट, एक घंटा बीत गया पर 20 मिनट नहीं हुए अभी तक। पता नहीं यार क्या ही है, सीन है इनका, जितनी बार कॉल किया उतनी बार बोल रहे हैं बस 20 मिनट में पहुंच रहे हैं, एक घंटे से ज्यादा बीत गया पर 20 मिनट नहीं हुए। इनका इंतजार करते करते दोस्तों मेरे को एक घंटे से ज्यादा हुआ है और नींद आने लग गई थी। तो ये हैं वो दो बंदे, देरी के लिए समा चाहते हैं, अरे बाबा इस शायरी ने दिल खुश कर दिया, अब माफ तुम्हारा देर होना माफ। तो चले बाकी हमारे एक और भाई है, भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया है। हम दोस्तों दुगड्डा से थोड़ा सा नीचे ही हैं और अभी जो बारिश क्या है भाई दोस्तों इतनी तेज लग गई ना क्या ही बताऊं। और रोला देखो भाई कितना बड़ा, तो ये रोला आ रहा है। फिलहाल जो बड़ी गाड़ियां हैं दोस्तों वो तो निकल जा रही हैं, बट छोटी गाड़ियों की दिक्कत है। जो सभी बाइक वाले क्या हैं वो रुके हुए हैं, बट मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये कम है, बाद में कुछ ज़्यादा ही आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए ना क्या करते हैं कि निकालते हैं, कोशिश करते हैं। भाई ने कर दी हिम्मत, भाई दोस्तों एक बंदे ने हिम्मत करी और देखो सभी ने अपनी अपनी गाड़ी निकाल दी है। ये देखो इतना तेज बहाव भी नहीं है। अभी ना जस्ट वो वाला गजेरा पार किया और इतना गजब मैंने आज पहली बार देखा। यहाँ देखो टी शर्ट देखो मेरी पूरी की पूरी इतनी गीली हो गई ना, मतलब क्या ही बताऊँ, इतनी तेज बारिश हो रही थी। और अब यहाँ देखो भाई साहब रोड बिल्कुल क्लियर सूखी हुई है और जस्ट थोड़ा सा मतलब यहाँ से 100 मीटर पार बारिश हो रही है बड़ी भयंकर। भाई क्या ही मौसम है भाई, खतरनाक। अब ये जो पूरी रोड क्या है दोस्तों कोटदार के लिए ना, ये देखो पूरी सूखी हुई है, यहाँ ना एक बूंद भी बारिश नहीं गिरी है, एक बूंद भी। भाई साहब अलग ही सीन देखने को मिल रहे हैं आज। बारिश जो थी ना दोस्तों इतनी ज्यादा थी, ये देखो भाई साहब इतनी ज्यादा बारिश हुई, ये देखो इतनी बारिश हुई। चलो भाई बहुत दिक्कत और परेशानी के बाद दोस्तों हम पहुंच गए हैं गढ़वाल के द्वार कोटद्वार में। फिलहाल दोस्तों सबसे पहले जाएंगे मजनू की सर्विस कराने के लिए, तो यहाँ से ना अंदर के लिए है शोरूम, तो निकलते हैं और पहले ना सर्विस कराते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फटाफट ये काम निपट जाए उसके बाद और काम निपटाएंगे। बाकी ये रहा दोस्तों पूरा का बनाना रॉयल एनफील्ड का शोरूम। तो चलो भाई जो भी कागजी कार्रवाई थी वो तो हो गई है और गाड़ी भी चढ़ गई है ऊपर, तो फटाफट देखो सर्विस होगी। तो सर्विस में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 1.5 घंटे का, तो 1.5 घंटा वेट करते हैं। चलो भाई अपना जो मजनू क्या है भाई दोस्तों वो भी चमक गया है, सर्विस वगैरह हो गई है अच्छे से, बाकी ना जो क्लच वगैरह था वो भी बढ़िया से हो गया है। बाकी सर्विस में जो टाइम क्या लगा दोस्तों पूरा का पूरा 1.5 घंटे का लगा। तो अभी ना दीपू भाई लोग भी अपनी गाड़ी की सर्विस करवा रहे हैं, तो चलो देखते हैं उनकी सर्विस हो गई कि नहीं हो गई, उसके बाद जो भी प्लान रहेगा आगे का वो आपको बताएंगे। बट उससे पहले हमें अभी राकेश भाई के, अच्छा भाभी की जो दीदी है उनके घर पे है, वो कोटदार रहते हैं, तो अभी उनको मिलने भी जाना है क्योंकि चाचा को भतीजी से मिलाना है। चलो भाई अभी अपने भाई लोगों के पास ही पहुंच गए हैं। एक गाड़ी का दोस्तों अभी काम चल रहा है, टायर जो है वो चेंज हो रहा है और दूसरी गाड़ी की सर्विस चल रही है। देखो देखो सब कुछ ही निकल गया भाई, हैंडलिंग करवा रहे हो क्या अपने भाई? दाढ़ दर्द हो रही है क्या? अच्छा भाई दोस्तों दाढ़ी दर्द हो रही है, आपकी गाड़ी की क्या हो रही है? पीड़ा हुई। अच्छा अच्छा डॉक्टर आर तो लाओ। अच्छा इच्छी है, खूब हंसी मजाक के साथ सभी भाई लोगों का काम हो रहा है और यहाँ पे शोर भी कुछ ज्यादा हो रहा है। बाकी अब निकलते हैं दोस्तों सीधा रोनिका भाभी के दीदी के घर पे और रोनिका भाभी को मिलते हैं और क्यूट भतीजी को भी मिलते हैं। चलो भाई अभी हम आ गए हैं कोटदार के विशाल मेगा मार्ट में, यहाँ से ना भतीजी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, मतलब कपड़े वगैरह लेके जाने हैं। तो अभी ये वाला पसंद आ रहा है तो देखते हैं कैसा लग रहा है, जरा दिखाना। ये देखो ये कुछ ऐसा है और गर्म कपड़े हैं, ठंडियों का टाइम भी आने वाला है, बट थोड़ा सा बड़े हैं यार, 2-3 दिन की है अभी तो बस। अभी क्या है कि राकेश भाई को भी ना लोअर वगैरह की जरूरत है, तो राकेश भाई ऊपर ले आए मेरे को मेंस में, तो यहाँ ढूंढ रहे हैं अपने लिए लोअर। लोअर ढूंढने आए हैं, टी शर्ट ढूंढ रहे हैं, पर टी शर्ट पसंद आ रही है वाल, पहले वही देख लेते हैं। राकेश भाई को 200 लोअर तो नहीं मिले, बट मेरे को सॉक्स की जरूरत है तो मैंने सॉक्स उठा ही लिए हैं। इस वाले थैले के लिए ना दोस्तों 18 रुपये दिए हैं और थैला जो है ना ये 2 रुपये लायक नहीं है। देखो खतरनाक यार, झोला लग रहा है झोला।
शाम का टाइम हो गया है दोस्तों, और कुछ ही देर में ना सनसेट वगैरह हो जाएगा। तो अभी जो शाम की जो धूप पड़ रही है ना, यानी लालिमा पड़ रही है, वो बड़ी खूबसूरत से अभी दिखाई दे रही है। भाभी के दीदी का घर ढूंढते ढूंढते दोस्तों हम ठीक झंडा चौक में पहुंच गए हैं। फिलहाल ये है दोस्तों कोटदार का ट्रैफिक और कोटदार की भीड़ भाड़। तो सभी लोग ना दोस्तों देखो चल ही रहे हैं, मतलब कोई किसी के लिए नहीं रुका है। दुनिया ऐसी निरंतर चलती रहती है, सब भाग रहे हैं भाई, सब भाग रहे हैं। चलो भाई अभी पहुंच भी गए हैं। ताऊ जी नमस्कार। ताई जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एक टाग बढ़िया बढ़िया। हेलो 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 मामा सी राहुल बधाई हो, मामा बढ़ गए। धन्यवाद धन्यवाद, आपको भी बधाई हो। धन्यवाद धन्यवाद। मामा भी चाचा भी मिलिए भाई दोस्तों हमारी दीदी जी से। दीदी जी नमस्कार, ठीक ठाक? ये है भाई दोस्तों छोटी सी परी, तभी तो नामकरण नहीं हुआ होगा, बट अपने तरफ से रख दिए होंगे कोई ना कोई नाम है। तो क्या नाम रखे हैं? अनाया। राकेश भाई आपने रखा? अच्छा अनाया है। ये देखो ये है छोटी सी परी, अभी तो आंखें भी नहीं खुल रही रही। अच्छा सीच है, है? अच्छा सीच है। अच्छा हाँ मिलने खोला नहीं एक महीने तक। तभी तभी आठ महीने में गया ना, जल्दी हो गया। है? मैं तेज नहीं छू। चाचा का भाई दो दिन से हो रखा था, कोटदार जाना है तो जाना है। चाचा को ले आए हम। अंशिका? ओहो हो, अच्छा ताई जी ने अंशिका नाम रखा है। अरे बढ़िया बढ़िया, सभी अपने अपने तरफ से एक एक नाम रख लो अभी। अच्छा ये भी ठीक है। दीदी जी आपने रखा कुछ नाम? आपने नहीं रखा? अरे आप भी रखो यार कुछ। अच्छा जो मतलब फेमस हो जाओ, सब बोल ला फेमस हो जाओ। कोटदार जान तो जान, बोल चाहे कुछ भी हो जाए। मामा भी हूँ और चाचा भी हूँ। तो ताई जी बोल रही है बोले नथ बनानी है, अगर मामा है तो वो नथ बनानी है, अब चाचा बनूंगा तो फायदे में मैं ही रहूंगा। चलो माम बिल्कुल बिल्कुल हाँ।